हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन डिशेस। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पापड़ रोल। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिया है तवा, इस पर मैं डालूंगी 3 टीस्पून ऑयल। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। ऑयल को मैं गर्म कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी जीरा 1/2 टीस्पून, बारीक कटी हुई अदरक 1 टीस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 टीस्पून, लगभग 2 हरी मिर्च है। अब मैं इसमें डालूंगी उबले और मैश किए हुए आलू। आलू को मैंने पहले से उबाल कर रखा हुआ था। मैंने यहाँ 4 आलू लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि जीरा जले ना। अब मैं आलू में हल्की सी स्पेस बनाऊंगी और स्पेस बनाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मटर। मैंने यहाँ 1 कटोरी उबली हुई हरी मटर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, हरी धनिया, मैंने यहाँ बहुत थोड़ी सी हरी धनिया यूज़ की है, सौंफ 1/2 टीस्पून, मैंने यहाँ सौंफ का पाउडर यूज़ किया है, मैंने पाउडर घर पर बनाया है, क्रश की हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, नमक, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, मैंने जीरे को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले आलूओं में और मटर में मिक्स हो जाएं। ये देखिए सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और आलू भुन चुका है, तो मैं इसे साइड में रख दूँगी और इसे हल्का ठंडा होने दूँगी। अब मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी, कटोरी में मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा और इस मैदे में मैं लगभग 3 टीस्पून पानी का यूज़ करूँगी और मैं इस मैदे का बनाऊँगी पेस्ट ताकि जो हम पापड़ रोल बनाएंगे वो पापड़ रोल हम इससे चिपकाएंगे। पेस्ट बन चुका है, देखिए ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, इसे मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है। हमें इसी तरह का पेस्ट रेडी करना है। ये देखिए आलू रेडी हो चुका है, हल्का ठंडा हो चुका है, इसे मैं रख लूँगी साइड में। यहाँ पर मैंने लिए हैं पापड़, ये बिल्कुल ताजे पापड़ हैं और मैंने यहाँ लिया है एक प्लेट। इस प्लेट में मैं आपको बताऊंगी कि रोल कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने एक पापड़ लिया, यहाँ मैंने लिया है पानी। पानी को मैं ब्रश की हेल्प से पापड़ पर लगा दूंगी। हम जो पापड़ के कॉर्नर्स हैं उस पर पानी को थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे और जो सेंटर का एरिया है इसमें पानी को हल्का कम लगाएंगे। पानी लगाना ज़रूर है लेकिन सेंटर वाले एरिया में कम लगाना है। पापड़ को मैं पलटकर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से पानी लगा दूंगी, कॉर्नर्स पे पानी ज़्यादा रखकर और सेंटर में पानी हल्का रखूंगी। देखिए पापड़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, ये कहीं से भी नहीं टूट रहा है। इस पर मैं फिलिंग को फिल कर दूंगी। रोल बनाने से पहले सारे पापड़ में मैंने पानी लगाकर उसी तरह से इसको अलग अलग पापड़ रख दिए हैं। इस तरह से मैंने देखिए फिलिंग को फिल कर दिया है और इसे मैंने बहुत ज़्यादा सेंटर में नहीं रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे, मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद फिलिंग को फिल किया है इस तरीके से। और इसे मैं इक्वली बराबर से कर लूँगी और अब मैं देखिए इसे फोल्ड करूँगी। पहले मैंने एक कॉर्नर्स को फोल्ड किया, फिर मैंने दूसरे कॉर्नर्स को पूरी तरीके से फोल्ड किया और आगे से हल्का सा प्रेस कर दिया, ये देखिए। और अब मैं इसे यहाँ से हल्का सा फोल्ड करूँगी। जितना एरिया छूटा हुआ है पुडिंग रखने के बाद, उसके बाद के एरिया को मैंने पापड़ को इस तरह से रोल कर दिया और इसे हल्के हाथों से पलट दिया। ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाता है, ये देखिए। अब जो बाकी का स्पेस बचा है इस पर मैं जो हमने मैदे का बैटर बनाया है उस मैदे के बैटर को स्पून से इस तरह से कॉर्नर्स पर लगा देंगे, ये देखिए ये लग चुका है ना। अब मैं इस पर इस तरह से पलट दूँगी और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दूँगी और ये देखिए पापड़ चिपक गया है। बाकी जो एक्सेस मैदा है इसे हम इस तरह से फिंगर से हटा देंगे। एक पापड़ मैं आपको और बता रही हूँ, ये मैंने अलग तरीके से बनाया है। इसमें मैं मैदे का जो बैटर है उसका यूज़ नहीं करूँगी, प्रोसेस वही है। पापड़ में हमें कॉर्नर्स पे पानी ज़्यादा लगाना है और जो सेंटर एरिया है उसमें पानी हल्का लगाना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी पानी लगा देंगे, कॉर्नर्स पे पानी ज़्यादा रखेंगे और सेंटर एरिया पे पानी कम रखेंगे। 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे पानी लगाने के बाद।
और अब मैं इसमें भर दूंगी फिलिंग। फिलिंग को भी हमें सेम उसी तरीके से भरना है, सेंटर में नहीं रखना है, फिलिंग को हमें एक कॉर्नर से रखना है, बहुत ज़्यादा कॉर्नर से नहीं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद, ताकि जब हम रोल बनाएंगे तो ये ईजिली फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रेस किया हल्का सा और दूसरी साइड से फोल्ड किया और ये मैंने यहाँ से इसे फोल्ड कर दिया है हल्के हाथों से। उसी तरह से हम इसे फिर से पलट देंगे और पलटने के बाद अब जिस एरिया जो बचा हुआ एरिया है, यहाँ पे मैंने पहले मैदा लगाया था, अब मैं यहाँ पर पानी लगा दूंगी थोड़ा सा और इसे मैं जो रोल है इसको फिर से पलट दूंगी और इसे प्रेस कर दूंगी। और प्रेस करने के बाद जो नीचे वाला एरिया है मैं प्लेट पर इसे, ये जो एरिया है मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये एरिया है, मैं प्लेट पर रखूंगी। हम प्लेट पर इसे इसी तरीके से रखेंगे जो ये चिपकने वाला है, ताकि ये जब ये थोड़ा सूख जाएगा ना तो ये चिपक जाएगा। अब मैंने लिया है तवा, तवे पर मैंने लिया है ऑयल, क्योंकि अब मैं इसे फ्राई करूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं ऑयल में पापड़ को रख दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम रखा है, मैंने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। दोनों रोल के बीच में हल्की सी स्पेस बनाऊंगी, क्योंकि हम इसे पलटेंगे तो ये बहुत ही इजीली पलट जाएगा। ये देखिए ये पलट चुका है, इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी पलट देंगे और पलट कर हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब मैं इसे फिर से एक बार पलट दूंगी, ताकि ये साइड से अच्छी तरह से जो कलर है वो बढ़िया आ जाए, जैसे पापड़ पकता है सेम हमें वही कलर चाहिए। ये देखिए फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, तेज नहीं करना है और ना ही धीमा। अब मैं इसे लास्ट फाइनली एक बार फिर से पलटूंगी। ये देखिए जो हमें कलर चाहिए था वो कलर पापड़ में आ चुका है, तो अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल दूंगी और इसी तरीके से मैं सारे पापड़ रोल को फ्राई कर लूंगी। और फ्राई करने के बाद इसी तरह से मैं सारे पापड़ रोल को निकालने के बाद टिश्यू पेपर पर रख दूंगी, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ऑयल हट जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।